भाई इनका शॉर्मे की कुछ गेम्स अलग टाइप की हैं। भाई ने हमें यहाँ पे ये तीन डिफरेंट अपनी सॉसेज भी जो है ना वो ट्राई करने का बोला है, तो ये ट्राई करके देखते हैं। भाई बहुत ही ज्यादा जो है ना वो लोडेड किस्म का शवरमा ये लग रहा है। Assalamualaikum everyone, this is your boy Asif and welcome to another vlog। भाई साहब आज का सीन ये है कि हम लोग आ चुके हैं गुलिस्तान जौहर। मेरे पीछे बिल्कुल है गुलिस्तान जौहर का मेन रोड और भाई सिटी बेकरी के सामने हमें मिले हैं भाई एक शवारमे वाले। तो भाई इनका शवारमे की कुछ गेम्स अलग टाइप की हैं और ये यहाँ पर हमें लाए हैं और बता रहे हैं कि भाई इनके जो फ्लेवर्स हैं, इनकी जो सॉसेज हैं ना, उनकी थोड़ी सी जो गेम्स हैं वो डिफरेंट किस्म की है। तो इस वक्त ये पीछे एक छोटा सा शवारमा का कार्ट है भाई, अभी चलते हैं इसकी मेकिंग देखते हैं, इसको बनता हुआ देखते हैं, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि आखिर ये शवारमा कैसा है। तो आ जाएं फिर ज़रा मेरे साथ। भाई भाई ने हमें यहाँ पे ये तीन डिफरेंट अपनी सॉसेज भी जो है ना वो ट्राई करने का बोला है, तो ये ट्राई करके देखते हैं। भाई इन्होंने बोला है कि यार ये लाजमी ट्राई करो यहाँ पे, ताकि आपको फ्लेवर का जो है ना वो पता चल सके। तो ये थोड़ी जो है ना वो खट मीठी सी है और ये एक मायो गार्लिक इसको कह लें वो है। कौन सी है? अच्छा अरेबिक थॉम सॉस है भाई, ये शवारमे के अंदर भी ज़्यादातर मेन शवारमे के अंदर यही यूज़ होती है ज़्यादातर। तो भाई बहुत ही डिफरेंट किस्म का ना आपको फ्लेवर यहाँ पर इस शवारमे में मिलेगा। अच्छा भाई ये कार्ड जो है ना वो तो है छोटा सा, लेकिन भाई यहाँ पर बहुत कुछ ही मिलता है भाई। इनके पास डिफरेंट किस्म के शवारमास हैं और उसके अलावा बन कबाब टाइप बर्गर्स वगैरह भी हैं और उसके अलावा डिफरेंट किस्म की इनके पास फ्राइज़ भी हैं। भाई रेट लिस्ट और मेन्यू भी मेरे हाथ में है, जल्दी से अपना शवारमा ऑर्डर करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। भाई साहब इस कार्ड की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़े की और डिफरेंट की है। भाई मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो हमारे भाई हैं ना यहाँ पे सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने माशाल्लाह से एक बहुत बड़े ब्रांड में काम किया है जो कि शवारमा का ब्रांड है, आप लोग समझ सकते हैं। तो भाई से इनकी स्टोरी भी जानते हैं। तो भाई आप ज़रा बताएं, अब माशाल्लाह से अपना सेटअप लगा लिया है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप लगा दिया और ओरिजिनल फ्लेवर के साथ अथेंटिक बिल्कुल। और हमारे पास यहाँ पे लेबनीज फ्लेवर है, अल अरब स्पेशल है, कुलाची है, अजमेर स्पेशल है और न्यूयॉर्क स्टाइल है। इसके अलावा फ्राइज़ है, लोडेड फ्राइज़ है, चिकन फ्राइज़ है, चिकन चीज़ फ्राइज़ है और बन कबाब बर्गर है और अथेंटिक फ्लेवर में इंशाल्लाह। तो जो हमारी जो शॉर्मे की बेसिकली सॉसेज है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, अथेंटिक आपको मिलेगी। इसमें जो तहिनी सॉस है और गार्लिक थोम सॉस है और कुलाची जो टिक्का मसाला सॉस है, तो बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी के साथ आपको मिलेगी इंशाल्लाह, जरूर ट्राई करना। भाई भाई ने जितने फ्लेवर्स यहाँ पर गिना दिए हैं ना, तो आपको इससे ही अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई किसी आला ब्रांड से ये सब कुछ सीख के आए हैं। और यार अल्लाह पाक इनको इनके इस काम में इनको बहुत कामयाब करे। इन्होंने माशाल्लाह से अब अपना, वहाँ पे एक नौकरी करते थे, अब माशाल्लाह से इन्होंने अपना स्टार्टअप लिया है, अपना काम शुरू किया है। तो बस जल्दी से अब इनका शवारमा जो है वो ट्राई करते हैं, मुझे तो बहुत इंतज़ार इनके शवारमे का, तो आ जाए जल्दी से। तो गाइज हमारे शवारमे की प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। भाई ने सबसे पहले भाई ले लिया है पीटा ब्रेड, ऐसा ही है ये पीटा ब्रेड ही है? अच्छा होम मेड है ये आपकी? भाई ये होम मेड पीटा ब्रेड है। तो अभी ये पीटा ब्रेड आ चुकी है, चिकन वहाँ पे आई थिंक ये मैरिनेट हुआ रखा हुआ है पहले से ही, और अभी इसको थोड़ा सा टोस्ट कर रहे हैं, ये गर्म कर रहे हैं इसको। अच्छा ये चिकन जो मैरिनेट हुआ है इसका फ्लेवर वगैरह कौन सा है, क्या फ्लेवर है इसके अंदर, आपकी कोई होम मेड मसाले ही हैं? बिल्कुल मेरी अपनी भली मसाला है, लेकिन इसमें हमने माइल्ड स्पाइसी रखी हुई है क्योंकि पास अरबिक चॉइस है, तो स्पाइसी उसके लिए हम और सॉस अलग से दे रहे थे। ये बिल्कुल हमने यानी कि तंदूरी टाइप है, चिकन चलें जी। अब बस ये हमारा जो ब्रेड है वो भी यहाँ पर टोस्ट हो रहा है, गरम हो रहा है। अभी भाई मेरे मुंह में तो पानी आना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि सामने ही चिकन रखा हुआ है और मेकिंग चल रही है मज़ेदार से शवरमे की, और इनकी सॉसेस डिफरेंट यहाँ पर बॉटल्स रखी हुई हैं। तो बस जल्दी से इसकी प्रिपरेशन अभी यहाँ पर देखते हैं भाई। चलें जी अब शवारमे के ऊपर। सबसे पहले भाई ये बताते भी रहे कौन कौन सी सॉस आ रही है। ये सबसे पहले कुलाची सॉस आ चुकी है इसके ऊपर, और इसके बाद अभी हमारा जा रहा है भाई चिकन। वाह 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 भाई। अच्छा ये चिकन की क्वांटिटी भाई आप लोग ख़ुद भी देख सकते हैं, यहाँ पर कोलाची सॉस के ऊपर चिकन आ चुका है। अच्छा इसमें प्याज भी आ चुका है भाई इसमें, और ये ऊपर से आ चुका है टमाटोज़ भाई।
पिकल आ गए ये भाई, पिकल्स डाल दिए हैं भाई ने, मतलब कि इसका फ्लेवर जो है ना वो थोड़ा खट्टा सा भी होने वाला है। और ये ऊपर से फ्राइज आ गए। अच्छा वाह वाह भाई, इसमें फ्राइज भी आ चुके हैं यार, ये तो कोई एक स्पेशल किस्म का लॉडेड सा जो है ना शोरमा होने वाला है यहाँ पर। ये ऊपर से दोबारा कोलाची सॉस ही आपने डाल दिए, ये मतलब कि ये कोलाची सॉस ही आपकी जो है वो फेमस सॉस है मेरा ख्याल। और ये ऊपर से भाई इनकी एक और जो है ना वो आ चुकी है सॉस। स्पाइसी करनी हो तो इसके लिए हम और सॉस ऐड कर देंगे। अच्छा तो हाँ बस हमारा स्पाइसी कर दें फिर आप ज़रा ना, ताकि मज़ा आ जाए शवरमा खाने का। ये भाई अगर आप लोगों ने स्पाइसी करनी है तो आप इनको बता दीजिएगा, ये वाली डाल देंगे। डन हो गया जी, तो ये शवरमे हमारे यहाँ पर रेडी। और ये अब इनकी मेकिंग यहाँ पर देखें, पैक होने लगे हैं भाई। भाई ये हमारे शवरमे जो है वो कट चुके हैं, और ये गेम्स आप ज़रा चेक करें यार। और साथ में भाई ने इस तरह से फ्राइज भी रख दी हैं दोनों में, और अपनी कोई डिफरेंट सॉस भी ये यहाँ पर डालने लगे हैं। ये भाई हमारे शवरमे हो चुके हैं रेडी यार, ये गेम्स तो बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार सी लग रही है। अब जल्दी से इसको ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताते हैं भाई। तो भाई हमारे हाथ में आ चुका है ये शवरमा भाई, बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लोडेड किस्म का शवरमा ये लग रहा है। अंदर इसके आप चेक कर सकते हैं कितना ही ज़्यादा भाई ने क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में सब कुछ डाला है। सॉसी भी ये लग रहा है, मैं अगर इसको दबा रहा हूँ तो भाई सॉसेस नीचे गिर रही हैं। चलें जी सबसे पहले इसको विदाउट सॉस इनके जो है ना वो ट्राई करते हैं, ऐसे ही ट्राई करके इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत ज़्यादा जूसी है यार ये। अब इसको इनकी इस हॉट सॉस के साथ इनको इसको ट्राई करते हैं यार। भाई मैं तो एक स्पाइस लवर हूँ, मुझे इनकी ये वाली जो सॉस है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, और एक चटपटी सा एक जायका दे रही है। और जो इन्होंने अंदर इसके जो वेजिटेबल्स डाले थे शवरमे के अंदर, अनियंस हो गए, टमाटोज हो गए, पिकल्स हो गए भाई, वो इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर रहे हैं। तो यार मैं तो अपनी तरफ से हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस हॉट सॉस के साथ ये शवरमा ट्राई करिएगा। तो यार ये दिखने में तो बहुत ही मज़े का लग रहा है, जूसी जूसी, और ये ट्राई करने में जो वेजिटेबल्स डाली भर भर के इन्होंने जो है सामान डाला है, साथ में फ्राइज भी। अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा है भाई। यार अब हम इसको टेस्ट करते हैं, तो सॉसेस के साथ हम टेस्ट करेंगे इसको। लेवल है यार, वो कहते हैं ना छोटा है पर मोटा है, मजेगा। तो भाई ये अल अर्ब शवरमा हम ट्राई कर चुके हैं, बहुत ही मज़े का फ्लेवर था। और मज़ीद इस तरह के फूड ब्लॉग्स और फूड रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दें। शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मेरे पास माइक नहीं है तो आवाज़ भी हो सकती थोड़ी सी आपको ऊपर नीचे आ रही हो, लेकिन भाई वीडियो को करते हैं यहीं पर इख्तिताम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।